ये क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि हम लोग किसान 8 दिन से बीज के लिए दौड़ रहे हैं। कृषि सलाहकार समन्वयक लोगों ने OTP मोबाइल पे गिरा दिया और वो डेली बुला लेते हैं कि आ जाइए कल आइए मिल जाएगा बीज, लेकिन यहाँ आने के बाद जो बीज विक्रेता है उनके स्टाफ एवं सरकारी कर्मचारी लोग कहते हैं कि जब तक आपका OTP वेरीफाई नहीं होगा तब तक बीज नहीं मिल पाएगा। और OTP वेरीफाई करने के क्रम में उसका वेबसाइट ही नहीं चल रहा है, सर्वर स्लो है, जो समस्या विगत 8 से 10 दिनों से है। और हम किसान लोग डेली आते हैं चले जाते हैं, डेली आते हैं चले जाते हैं, तो उसमें हम लोग को तो घाटा ही घाटा, घून की भांति पिसा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार के पूरी यहाँ के नियम फेल, सब कुछ फेल हो रहा है, पूरा सरकारी तंत्र फेल है। जब OTP गिरा दिया गया तो फिर ये वेरीफाई करने का क्या सिस्टम है? पंचायत में भेज दिया जाता है, हर एक पंचायत में पंचायत किसान भवन है, वहीं से हम लोग बीज ले लेते हैं। तो ये तो झूठ मूठ का ढकोसला पीट रही है सरकार के किसान भवन में पहुँचे। मैं यहाँ से सदाथपुर पंचायत में घर हुआ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। कुछ लोग बीरपुर जो कि यहाँ से 21 किलोमीटर है वहाँ से आए हुए हैं और ये 8 दिन से चल रहा है, लोग आते हैं जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। हम गेहूँ के बीज लाने आए हैं, 8 दिन से दौड़ रहे हैं, बीज नहीं मिल रहा है हमारे पास, यहाँ कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। क्या बोलते हैं? कोई नहीं सुन रहे हैं, हम लोग 8 दिन से आ रहे हैं, किराया लग गोची छपरा 5-5 10 किलोमीटर है। DM साहब को क्या कहेंगे, महिलाओं पे ज्यादा ख्याल रखते हैं, कहते हैं कि सभी जगह पे महिला को आगे दिया जाता है, मगर यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या यहाँ की स्थिति पूरी तरह से खराब है? पूरी तरफ से खराब है, कोई नहीं सुन ले रहा है, गोम नहीं दे रहे हैं। चार 5 दिन से हम लोग बीज के लिए आ रहे हैं, सर्वर डाउन के कारण लौट जा रहे हैं, बीज यहाँ है ये है, सारा प्रॉब्लम है। BO साहब कहते हैं जो हम ना रिस्क लेंगे, जो दे रहे हैं वो ना रिस्क लेंगे, और हम लोग खड़ा हैं, पूरा लाइन देख लीजिए, वो बेचारा विकलांग है, उसको बैठल भी नहीं जा रहा है, और वो लाइन में लगा हुआ है कल से, बहुत परेशानी है आम जनता को। कितने दिन से यहाँ पे? 8 दिन से हो रहा है, 8 दिन से ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। क्या कहना चाहिएगा सरकार? हम कहना चाहेंगे भाई सर्वर चाहे हम लोगों का पेपर ले, OTP तो अपना ले, गिरिए गया है तो उसका सर्वर को तोड़े, और अब जैसे भी है हम लोगों को बीज मिलना चाहिए समय से, पेपर ले। हम बीरपुर से आए हैं, यहाँ से 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर? हाँ। नाम बताइए। कमलेश बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए थे यहाँ ब्लॉक? हम तो आए हैं पानापुर हवेली पंचायत से, ग्राम श्यामपुर भोजा से, नाम मेरा राजन शाही है। बीज के लिए 8 रोज से आ रहे हैं लेकिन बीज मिल नहीं पा रहा है, बोलते हैं कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पूरे किसान आते हैं और लौट के चले जाते हैं। 8 रोज से बीज नहीं मिल रहा है, इसलिए हम DM साहब से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम किसान पर जैसे तरस खाते हुए और इसका कोई जैसे दूसरा उपाय करवाए कि हम किसानों को बीज मिल सके, ताकि भाव का समय निकला हुआ जा रहा है। इसलिए द्वारा बोला जा रहा है कि बीज में भी बदलाव होना चाहिए क्या? और लोगों का कहना है कि बीज में भी बदलाव होना चाहिए, ताकि बीज जो होना चाहिए वो बीज नहीं है, इसलिए बीज में भी बदलाव होना चाहिए, ये अनुरोध करेंगे हम साहब DM साहब से। क्या बोले हैं यहाँ के कर्मचारी? बोले हैं कि जब तक हमारा जो सो नहीं आएगा सर्वर तब तक जो सो हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम तो कुछ कर नहीं सके। लोग हम लोग जमे हैं बिना खाए पिए हुए हैं सवेरे से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। नाम बताइए। नाम मेरा राजन शाही हुआ, ग्राम श्यामपुर भोजा हुआ।